गेहूँ, चना, सरसों एवं जो भी समर्थन मूल्य पर बेची गई फसल कौन से बैंक अकाउंट में आने वाली है वो कैसे चेक करें। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि अपने समर्थन मूल्य पर बेची गई फसल का अमाउंट जो पेमेंट आने वाला है वो किस बैंक अकाउंट में आने वाला है। सरकार द्वारा किया गया है कि जो फसल का समर्थन मूल्य पर आपने जो फसल बेची उसका पेमेंट आधार से लिंक बैंक अकाउंट में किया जाएगा, परंतु आपको पता नहीं है कि आपका आधार से कौन सा बैंक लिंक अकाउंट है। तो यहाँ हम आपको अकाउंट नंबर के साथ साथ बैंक का नाम भी बताने वाले हैं कि आपका बैंक कौन से बैंक में आने वाला। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आज या नॉलेज से मेरी वीडियो आप मिस नहीं कर पाते। चलिए अपने मोबाइल में कोई सा ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और उसमें सर्च बार में लिखिएगा ई उपार्जन। ई उपार्जन लिखकर आप जैसे सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की एक साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको ई उपार्जन पर क्लिक कर देना है। उसके पश्चात यहाँ पर आपको भुगतान की जानकारी करके एक स्लॉट दिखाई देगा न्यू, यह न्यू आया है। अभी ई उपार्जन पर न्यू साइट अपडेट की गई तो उसी में किसान की भुगतान की जानकारी का न्यू अपडेट आया तो हम उस पर क्लिक कर देते हैं। यह डेस्कटॉप साइट पर रहेगा तभी आपको दिखेगा, अगर डेस्कटॉप साइट पर नहीं रहेगा, मान लो हमारे डेस्कटॉप साइट पर नहीं है, अभी हम इसे कर लेते हैं। हम आपको बता देते हैं कि ये देखिए अगर डेस्कटॉप साइट पर है तो आपको ऐसा शो होगा, अगर डेस्कटॉप साइट पर नहीं होगा तो यहाँ पर आपको देखिए हम बता देते हैं थ्री डॉट पर जैसे हटाएंगे, या अभी हमारे मोबाइल स्लेट पर स्क्रीन है इसलिए ऐसा बता रहा है। तो चलिए यहाँ पर भुगतान की जानकारी पर क्लिक कर देते हैं। भुगतान की जानकारी पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ अपना ज़िला सिलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं उस जिले को सिलेक्ट कर लेना है आपको। उसके पश्चात यहाँ पर अपना किसान कोड प्रविष्ट कर देना है। किसान कोड प्रविष्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद भुगतान की जानकारी पर क्लिक कर देना है। कुछ देर लोडिंग लेने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर गेहूं भुगतान की जानकारी दे रही है। आपने जिस आपका जो भी पंजीयन होगा यहाँ पर, यदि आपको गेहूं की जानकारी देखना है तो यहाँ पर गेहूँ की आएगी, चने की आएगी, आपने जो भी बेचा होगा उसकी यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। मतलब जो भी खाते पर आपने जो भी फसल बेची होगी उसकी जानकारी दी है। तो हमने गेहूँ बेचा था यहाँ पर गेहूँ की जानकारी, यहाँ पर किसान कोड दे रहा है, किसान का नाम दे रहा है, खरीदी क्रमांक दे रहा है, फसल दे रहा है, स्वीकृति मात्रा दे रहा है, भुगतान की राशि दे रहा है, भुगतान की स्थिति, यहाँ पर हमारा भुगतान सफल हो चुका है। यह देखिए बैंक अकाउंट का नाम और बैंक का नाम, बैंक अकाउंट नंबर और बैंक का नाम यहाँ पर स्पष्ट शो हो रहा है। यहाँ किसान का भुगतान सफलतापूर्वक आधार से लिंक बैंक खाते में किया गया है। और यहाँ पर अगर आपने अब मान लीजिए यहाँ पर अपनी फसल बेचने के बाद रसीद बनवाने गए तो वहाँ पर आप बैंक अकाउंट की पासबुक ले गए तो अगर वो बैंक आधार से लिंक नहीं तो उसमें पैसे नहीं आएगा। भले ही आप बैंक की पासबुक जमा कर दें, आप आधार से जो लिंक है उसी बैंक में आपका पेमेंट आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट दे रहा है किसान का भुगतान सफलतापूर्वक आधार से लिंक बैंक खाते में किया गया है। और यहाँ पर बैंक का नाम और बैंक का खाता नंबर यहाँ पर आपको शो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भुगतान की राशि कितनी है और भुगतान की स्थिति अभी क्या है। अभी सफलतापूर्वक किसान के बैंक अकाउंट में आधार से लिंक बैंक अकाउंट में किया गया है भुगतान। तो यहाँ पर ये बैंक हमारा बैंक का नाम और बैंक खाता नंबर है, ये आधार से लिंक है। अगर आधार से लिंक नहीं होता तो यहाँ पर दूसरा बैंक अकाउंट आता। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी आपको मिली तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लगे आपके साथ जल्द मिलेंगे। तब तक के शुक्रिया, धन्यवाद।